वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड आई एम पूनम शर्मा। भारत को कोरोना वायरस से लड़ाई में जल्द ही एक और हथियार मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट सितंबर तक भारत को मिल सकती है। सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन की कीमत 750 रुपये होगी। कंपनी ने इसके इमरजेंसी यूज़ के लिए भी आवेदन दे दिया है। बता दें कि भारत में पहले से ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्पुतनिक लाइट के इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी के लिए पेनेशिया बायोटेक ने डोजियर जमा कर दिया है। स्पुतनिक लाइट को रूस की गमेलिया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। जुलाई में पेनेशिया बायोटेक ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण के लिए लाइसेंस लेने का ऐलान किया था। बता दें कि मई महीने में रूस ने स्पुतनिक लाइट के इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दी थी। रूस वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 80% तक प्रभावी माना है। इससे पहले 7 अगस्त को भारत सरकार ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दे दी थी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जॉनसन एंड जॉनसन की ये वैक्सीन जल्द ही भारतीय बाजार में मिलनी शुरू हो जाएगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।